बात देश की हो या विदेश की, समाज की हो या फिर विकास की, अपराध की हो या अपराधी की, चाहे हो राजनीतिक पहलुओं को छूता हुआ कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबी हुई हमारी फिल्मों की, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप मुझे देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज पर। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के टगुनिया गांव में सीमा सुरक्षा पर तैनात जवान 32 वर्षीय राम प्रवेश यादव का आज पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम समच गया और हजारों की संख्या में लोग जुट गए शहीद राम प्रवेश यादव को देखने के लिए। जन सैलाब उमड़ पड़ा। गांव में एक बार ऐसा लगा कि कोई गांव में है ही नहीं, लेकिन जब गांव के समीप पार्थिव शरीर आया तो लोगों का तांता लग गया। पत्नी से लेकर बेटे तक और पिता से लेकर माँ तक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोगों को जमीन पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। सभी लोगों के आंखों से आंसू दिखाई देने लगे। मौके पर पहुंचे जनपद के आला अधिकारी से लेकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी भी शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार आप लोगों के साथ है। हालांकि अंतिम संस्कार घाघरा नदी के किनारे शिव मंदिर के समीप किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सैकड़ों की संख्या में शहीद राम प्रवेश के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार और उनके दर्शन के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी, सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक धनंजय कनौजिया समेत जनपद के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद की पत्नी को राज्य सरकार से 20 लाख रुपए का चेक सहायता राशि दी गई, वहीं पिता को 5 लाख रुपए की राशि भी दी गई। इतना ही नहीं, शहीद के पिता को जमीन भी दी जाएगी घर बनाने के लिए और खेती के लिए 5 मंडा जमीन भी देने की बात की गई है। राम प्रवेश यादव जी के शहादत के अवसर पर हम लोग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और एक श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। घटना बहुत निंदनीय है, जितने भी इसकी भर्त्सना की जाए वह कम है और शहीद परिवार के साथ, इस इलाके के साथ और पूरी सरकार संवेदना के साथ खड़ी हुई है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए भी हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से शहीद और उनके परिजनों के लिए 25 लाख रुपया मुआवजा, जिसमें 20 लाख रुपया उनकी पत्नी के नाम और 5 लाख रुपया उनके पिता के नाम से 25x35 का विद्यालय के बगल में डीएम साहब ने जगह भी चयनित कर लिया, हम लोगों ने भी देखा उस चीज़ को। 25x35 का एक शहीद स्मारक शहीद के नाम पर, इसके अलावा एक गेट शहीद के नाम पे, गेट का भी घोषणा और इसके साथ क्या हम लोग रास्ता बहुत होता तो मुख्य सड़क से लेकर दरवाजे तक इंटरलॉकिंग, इसके अलावा पूरे गांव को उन्हीं के नाम पे ODF घोषित करने का, स्वच्छ रखने के लिए, घर घर में शौचालय बनाने के लिए, ये हम लोगों ने सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शहीद परिवार के लिए किया है। हाँ, एक चीज़ की और वेदना के साथ खड़ी है, जितना हो सकेगा हम साथ।